अगर कांग्रेस या इंडिया अलायंस के लोग कर्नाटका के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखकर लोकसभा में भी कर्नाटका में इसी प्रकार का रिजल्ट आएगा ऐसे वो सोच रहे हैं, तो वो द्वार से नहीं वो बाहर आना जरूरी है। लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं, आपने भी तीन राज्यों में वही लगभग वायदे किए हैं जो औरों ने किया है। क्या है बताइए। मैं थोड़ा रनिंग साइकिलिंग और थोड़ा फिटनेस के लिए समय दे देता हूँ, थोड़ा योगा करने के लिए, तो जो भी एक घंटे दो घंटे मिलता है। नमस्कार, इन खबर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कार्यक्रम है बतकही, जिसमें हम बातचीत करेंगे तेजस्वी सूर्या आजकल क्या कर रहे हैं। खूब युवाओं की आवाज बनकर के 2019 में बहुत तेजी से चर्चित हुए थे, आजकल थोड़ी कम आवाज सुनाई देती है। नहीं, आवाज थोड़ा कम हो चुका होगा, काम ज्यादा हो रहा है क्षेत्र में, युवा मोर्चे में, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। कर्नाटक हार गए आप, क्या कमी रही, क्योंकि वहां से बड़ा संदेश गया था। देखिए, राजनीति में जीत के लिए भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, हार के लिए भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम चुनाव के हार को बहुत गंभीरता से हम ले चुके हैं, और जो इंट्रोस्पेक्शन करनी है, जो कोर्स करेक्शन करना है, वो पार्टी कर रही है। और कई सारे चीज ऐसे होते हैं जो हम पार्टी के इंटरनल फोरम से हम चर्चा करते हैं, और ऐसे पब्लिक फोरम से तो हम चर्चा नहीं कर सकते, तो कई सारे फैक्टर्स हैं। पर आप ये इस बात पर निश्चिंत रहे कि जो कोर्स करेक्शन होनी चाहिए कर्नाटक में वो हो रहा है। दक्षिण में 5 राज्य हैं, 2 राज्य तो आप लोगों के हाथ से निकल चुके हैं, जो एक राज्य था वो भी निकला, तो उसका संदेश बहुत दूर तक लग गया, उससे विपक्ष काफी आप कह सकते हैं कि वो उसको लेकर के गौरवान्वित थे या बहुत उत्साहित थे। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ, 3 में आप जीते, 1 में वो, 1 में जेडी किया, उसका भी बड़ा संदेश दिया है। तो वहां भी गारंटी दी गई थी, यहाँ भी गारंटी दी गई थी, क्या अंतर पाते हैं, ऐसा क्यों हुआ? मैंने बताया कि कई सारे फैक्टर्स होते, स्टेट यूनिट का स्ट्रेंथ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल आउटरीच कितना होता है, स्टेट लीडरशिप का जो रीच होता है, ये सब भी एक एक लेवल पे फैक्टर्स होते हैं। पर मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर कांग्रेस या इंडिया अलायंस के लोग कर्नाटका के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखकर लोकसभा में भी कर्नाटका में इसी प्रकार का रिजल्ट आएगा ऐसे वो सोच रहे, तो वो द्वार से नहीं तो वो बाहर आना जरूरी है, क्योंकि 2024 के जो इलेक्शंस होगा, लोकसभा इलेक्शंस होगा, जिसके वोट मोदी जी के नाम पे आएगा, उसमें मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि कर्नाटका से मिनिमम 25 लोकसभा सीट, मतलब आज आप इस कार्यक्रम में कह के जा रहे हैं कम से कम कर्नाटका से 100% 25 सीट लोकसभा में बीजेपी को मिले। तो विपक्ष एक आरोप लगाता है कि आप मोदी गारंटी और पीएम मोदी के नाम के अलावा आपके पास क्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसका जवाब क्या बीजेपी दे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना बेरोजगारी, इतना महंगाई अगर देश में जिस प्रकार से विपक्ष ने इसको बता रहे हैं कि होते और लोग इतने परेशानी में होते हैं, तो क्या बार बार हर चुनाव में और ऐसे बड़े बड़े प्रदेशों में लोग भाजपा को, मोदी जी को क्यों बार बार वोट देते रहते हैं, क्यों आशीर्वाद देते रहते हैं? क्योंकि लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मोदी जी के नेतृत्व में आया है, और आज जिस प्रकार से, जिस गति से देश में रोजगार का सृजन हो रहा है वो अभूतपूर्व है, और 13.5 करोड़ जनता को हम गरीबी से बाहर ले चुके हैं। आप क्या रोजगार सृजन करने से, नहीं करने से, आर्थिकता को, आर्थिक शक्ति को ठीक गति से, नहीं शक्ति देने से, इतना बड़ा जनसंख्या गरीबी से मुक्ति हो सकते थे क्या? आप लोग फ्री वीज का विरोध करते हैं आम आदमी पार्टी पे, खास तौर से इसको लेकर वाद, लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं, आपने भी तीन राज्यों में वही लगभग वायदे किए हैं जो औरों ने किया है। क्या है बताइए। मैं बताता हूँ, जैसे कि छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में हुआ कि 2800 में धान खरीदेगी बघेल सरकार, आपने कहा नहीं 3100 में खरीदेंगे, आपने कहा कि महतारी बंधन योजना में हम 12000। मैं आपको फ्रीबीज और रेवड़ी, मतलब रेवड़ी और एम्पावरमेंट,
इसके बीच का जो फर्क है, अंतर है, मैं आपको एक मिनट में बताता हूँ। किसी एक गरीब व्यक्ति को या परिवार को हम गरीबी से ऊपर आने के लिए एक सस्टेनेबल तरीके से जब हम मदद देते हैं और जिससे एक असेट क्रिएशन या वैल्यू एडिशन पूरे इकोनॉमी पे होता है, वो एम्पावरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम उज्ज्वला में सिलेंडर्स दे रहे हैं, उससे आपको सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर में बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। महिलाओं के स्वास्थ्य पर इम्प्रूव होगा, मेडिकल खर्चा जो होगा वो कम हो जाएगा, इससे पूरे इकोनॉमी पे नेट एडिशन आ रहा है। पर रेवड़ी में पूरे इकोनॉमी में एक वैल्यू लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप फ्री बस दे रहे हैं, उससे वैल्यू एडिशन समाज के पूरे इकोनॉमी पे नहीं हो रहा है। आप हर महीने जो सबको टारगेटेड ग्रुप के बजाय सबको विथआउट चेक्स एंड बैलेंसेस हम सबको 2000 देंगे, इस प्रकार से आप जब पैसा देते हैं, इससे भी लॉन्ग टर्म में वैल्यू एडिशन नहीं होगा। ये सब यही फर्क है रेवड़ी और एम्पावरमेंट के पॉलिटिक्स। अच्छा, बीच में जब आप लोगों ने ये कहा कि हम 450 में सिलेंडर देंगे इन चुनावों में, तो विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि फिर आप पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ये आपका दो रवैया नहीं हुआ कि एक राज्य जहां चुनाव जीतना है वहां 450 में देंगे, बाकी जगह पे 1000 रुपए में देंगे? स्टेट गवर्नमेंट का वो वादा है, वो केंद्र सरकार का नहीं। केंद्र सरकार जब पॉलिसी लागू करेगा तब पूरे देश में, वो पुदुचेरी से लेकर सिक्किम तक हर प्रदेश में एक ही प्रकार से पॉलिसी करना जरूरी है। जो वादा हमने किए थे वो स्टेट स्पेसिफिक वादा था, वहां के कांग्रेस भी उसी प्रकार के स्टेट स्पेसिफिक वादा कर सकते हैं। दे दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? अब लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है? ये संदेश तो चला गया, सेमीफाइनल यदि आपने इसे माना, संदेश तो चला गया, लेकिन क्या इतना आसान है? अभी 4 महीने की परिस्थितियां हैं। बस मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव जो है, ये विकसित भारत के जो संकल्प है, जिसका विजन मोदी जी ने देश के विशेष रूप में युवाओं को दिए हैं, इसका एक फाउंडेशन लगाने का चुनाव है। हम पिछले 10 साल से जो फाउंडेशनल काम है, जो बेसिक्स का काम था, बिजली देने का, इंटरनेट देने का, टॉयलेट्स देने का, उज्ज्वला देने का, ऐसे जो बेसिक चीज थे जिसके ऊपर एक व्यक्ति, एक इंसान अपने आप को खड़े कर सकते थे, ये बेसिक चीज तो हम पिछले 10 साल में किए। तेजस्वी, आने वाले 25 साल जो है ये एस्पिरेशनल इंडिया का शुरुआत की समय। 25 साल? हाँ बिल्कुल, इसलिए मोदी जी 2047 का एक विजन पूरे देश को दे रहे हैं, और 2047 में भारत विकसित भारत होना चाहिए। तो आज हमें पॉलिसी स्टेबिलिटी, एक राजनीतिक स्थिरता, ये स्थापित करना बहुत जरूरी है। और देश के युवा विशेष रूप में मानते हैं कि आज गुड गवर्नेंस का पार्टी हो तो वो भारतीय जनता पार्टी है, गरीब कल्याण करने वाले पार्टी हो तो वो मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है। युवाओं के जो एस्पिरेशंस है उसको ठीक तरीके से रास्ते दिखाने का पार्टी हो या सरकार हो तो वो बीजेपी की सरकार है। सो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार के चुनाव के नतीजे 2019 से ज्यादा बहुमत से और सीट से भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनित आएगी। कितना सीट टारगेट लेकर चल रहे हैं? 303 से तो ज्यादा आएगी, ये मैं विश्वास के साथ। कुछ नारा आपने के गलियारे से आ रहा है कि इतने अपार कार्यकर्ताओं के विश्वास इतना है, लोगों की विश्वास इतना है, पर मैं बता सकता हूँ कि 303 से ज्यादा सीट मोदी जी को, भाजपा को इस बार आएगी। अच्छा, कुछ सवाल तेजस्वी सूर्या के व्यक्तिगत लाइफ से, हॉबी क्या है? वैसे आजकल बहुत कम समय मिल रहा है, मैं थोड़ा रनिंग, साइकिलिंग और थोड़ा फिटनेस के लिए समय दे देता हूँ, थोड़ा योगा करने के लिए, तो जो भी 1-2 घंटे मिलता है थोड़ा मैं फिटनेस में इंटरेस्ट रखता हूँ और थोड़ा प्रयास करता हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए। थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए भी शौक है, जब फ्लाइट में जाता रहता हूँ या ट्रेन में जाता रहता हूँ तो समय मिलता है, थोड़ा पढ़ने का भी प्रयास। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में कितना एक्टिव रहते हैं? सोशल मीडिया तो आजकल अपनी ज़िंदगी के एक अभिन्न अंग बन चुका है। रोज़ सोशल मीडिया में, कभी कभी मुझे लगता है कि ट्विटर पे और अपना इंस्टा पे एडिक्शन ज़्यादा हो गया है और थोड़ा कम करना है।
सोशल मीडिया में AI आ रहा है उस पर, उसको लेकर के PM ने भी चिंता जताई थी। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं और उसको यूज करते हैं तो लगता है कि क्या क्या चीज़ें रोकने की ज़रूरत है? देखिए, आज के जो डीप फेक जो आ रहा है, वो वॉइस का हो गया, वीडियो का हो गया, फोटोज़ का हो गया, ये एक सामाजिक व्यवस्था को खराब करने वाले पोटेंशियल है। इसके ऊपर बहुत सीरियसली हमें चिंता करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या होता है, जब आप मीडिया वर्ल्ड के साथ आप किसी को आप जुड़ देते हैं तो लोग मानना शुरू कर देते हैं कि इस पर कुछ सच्चाई हो सकता है, क्योंकि मीडिया का उतना क्रेडिबिलिटी है। लोगों को ये पता नहीं होता कि ये सोशल मीडिया है, ये एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, ऐसे। तो ये फेक न्यूज़ का और ये डीप फेक्स का मुझे लगता है कि आज के ज़माने में बहुत बड़ा चैलेंज है। काफ़ी फेक न्यूज़ वाली काफ़ी दिनों से चर्चा चली, लेकिन कंट्रोल हो नहीं पाया, मतलब 2-3 साल तो हो गया चर्चा चलते हुए। देखिए, ये टेक्नोलॉजी जो है ये इवॉल्व होता जा रहा है, और टेक्नोलॉजी और कानून, इस दोनों के बीच में एक प्रकार के रनिंग रेस हो रहा है। सो कानून भी जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी के चेंजेस को ध्यान में रखते हुए चेंजेस करना है, जिसका अभी डेटा प्रोटेक्शन लॉ में, IT एक्ट के अमेंडमेंट्स में, पर्सनल डेटा बिल में हम कर रहे हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल करते हुए कैसे समाधान कर सकता है, इसके ऊपर भी चिंतन होना जरूरी है। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका उद्घाटन कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए, और अगले साल ये जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेगुलेशंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, इसके अध्यक्षता भारत करेगा। सो वी विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू क्राफ्ट पॉलिसी एट अ ग्लोबल लेवल इन सभी इश्यूज के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये थे तेजस्वी सूर्या जी, जिन्होंने बताया कि ये जो सेमीफाइनल का रिजल्ट आया है, जब 2024 का चुनाव होगा तो जो 2019 में आया था उससे बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद।